गाजियाबाद से है, जो कि बताया जा रहा है कि गोल्ड की चोरी हो गई है। ये यहाँ पे सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है 65 से 70 लाख रुपए की चोरी है। प्रियंका जी हैं जो अकाउंट होल्डर हैं, जो उन्होंने अकाउंट यहाँ पे लोकल लिया हुआ है, वो बता रहे हैं कि नहर नगर के पंजाब नेशनल बैंक से लोकर से 65 से 70 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। पहले इसी विषय में मैनेजर वाइट नहीं दे रहे थे, बैंक में बताया जा रहा था कि मैनेजर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, अभी उन्होंने वाइट दिए। देख रहे हैं नेहरू नगर में हैं हम और हमारे साथ एक भाई हैं, हम पहले तो नाम जानना चाहेंगे और फिर पूछेंगे। जी मेरा नाम सौरभ चतुर्वेदी है। कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है? मेरा अकाउंट है जी, आज से नहीं, बहुत टाइम से अकाउंट है मेरा है, और मेरी सासू माँ का है, मेरी बीवी का भी यही अकाउंट है, हम सबका अकाउंट यही है। आपको पता है कि कल यहाँ पे गोल्ड की चोरी हो चुकी है 70 से 65 लाख? जी जी जी, मुझे पता लगा जैसे ही, मेरे को आज सुबह पता लगा कि भाई यहाँ पे कोई लॉकर वगैरह खोले गए हैं जी, तो मैं तुरंत आया, जैसे ही मुझे पता लगा मैं जाके देखा भी अंदर कि मेरे लॉकर हैं सही है या मेरा खुला है या किसी और का खुला है, बट लेकिन बैंक वाले किसी चीज़ में कोई समर्थन नहीं कर रहे, वो तो साफ क्लियर कट मना कर रहे हैं कि भैया कोई चोरी चकारी नहीं हुई, सब ठीक है। आप कहाँ पर रहते हैं गाजियाबाद में? मैं गांधीनगर रहता हूँ जी। तो आपने अपना लॉकर चेक करा है उसमें? मैंने अभी अपना लॉकर चेक करा है, मेरा लॉकर खुदा ना खासा ठीक है, भगवान की कृपा से मेरे यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं हुई है। अभी हम अंदर गए तो हमें बताया जा रहा था मैनेजर यहाँ पे है नहीं, अभी आप अंदर गए तो क्या है मामला? अब मैनेजर साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है, अगर आप मिलना चाहें तो उनसे मिल लो, लेकिन ये लोग किसी चीज़ में समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस इतना है। क्या नाम है जी आपका? आपका अकाउंट है यहाँ पे? मेरा अकाउंट है जी। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे गोल्ड की चोरी हो चुकी है, तो आपको मालूम है कुछ? हाँ, मेरे पे अभी आधे घंटे पहले मैसेज आया जी कि जो है बैंक लॉकर से जो है करोड़ों रुपए का गोल्ड चोरी हुआ, जैसे बैंक की कर्मचारी होते मिली भक्ति की वजह से। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा पवन सिंगर। तो आपका अकाउंट है इधर? जी है, नेहर नगर में जी। तो आपने मैनेजर से बात करी है तो उसने कुछ जवाब दिया आपको? मैंने मैनेजर से बात नहीं करी है। ठीक है, आगे पहले भी आपने देखा होगा तो किस इस तरह से कोई घटना हुई है आपके सामने? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से बैंक का किसी का लॉकर में सामान रह भी जाता है तो बैंक मैनेजर का खुद फ़ोन आता है कि आके अपने गोल्ड की पहचान कर लें कि आपका है या नहीं। ठीक है, आप कहाँ पर रहते हैं सर? अशोक नगर। ठीक है, एप्लीकेशन लगाया है कि उनके अकाउंट में लॉकर्स में जो ज्वेलरी रखी थी 65 से 70 लाख की, वो चोरी हो गई है या जो भी मामला था, क्या पूरा मामला था सर? देखिए, लॉकर में किसी ने क्या सामान रखा है ये पता नहीं होता है, इनके लॉकर खुलने में कोई दिक्कत आ रही थी इनको, तो लॉकर इनके सामने ही कंपनी से आदमी बुला के खुलवाया गया, जो तो भी प्रियंका जी ने भी एक एक बाइट दी है मीडिया को, जिसमें बताया कि वो दो बार पहले भी आ चुकी हैं कि उनकी जो लॉकर की चाबी है वो लग नहीं रही थी, उन्होंने दो बार सूचित किया, ब्रांच के जो सहायक कर्मी है उन्होंने ये कहा था हम फोन करके बुला लेंगे, तो उन्हें नहीं बुलाया गया, इसमें क्या कहेंगे? इसमें यदि है कि कंपनी से टाई अप करना पड़ता है तो दोनों को मिलाकर, तो जब टाई अप हुआ तो इनको जो है सूचित किया गया, इनको बुलाया गया, इनसे बात करते, और जब इनके सामने ही उसे खोला गया जो सामान, तो क्या सर उसमें से सामान मिसिंग था या क्या स्टेटमेंट? देखिए, इस बारे में बैंक को किसी में क्या सामान है बैंक को तो कोई जानकारी होती नहीं है। अकाउंट होल्डर आपके यहाँ लॉकर लेता है, जैसे किसी भी बैंक में लॉकर लेता है, बैंक उसका चार्ज भी लेता है, तो अब जो मिस है उसका सामान खो गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बैंक को नहीं पता होता कि उस लॉकर में क्या सामान रखा। तो ठीक है सर, अगला बैंक का अगला क्या स्टेप रहेगा इस मामला? नहीं नहीं, यदि उन्होंने कोई शिकायत की है जैसे आप बता रहे हैं तो जो उसमें जांच होगी उसमें बैंक से लॉक करेगा। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैम एक घटना हुई आपके साथ कि जो मतलब पंजाब नेशनल बैंक में आपके लॉकर में सामान रखा गया था, कुछ कैश रखा गया था, ज्वेलरी, वो चोरी होने का क्या मामला, पूरा क्या मामला? हाँ जी, मैं अक्टूबर 2021 में अपना लॉकर ऑपरेट करने गई तो मेरी चाबी नहीं घूमी, मैंने बैंक के एम्प्लॉज जो थे उनको बोला कि मेरी चाबी नहीं घूम रही है, तो उन्होंने कहा कि आप हम बैंक लॉकर खोलने वाले को बुलाएंगे तब आपको इंटीमेट कर देंगे, तब आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लिया। काफ़ी दिनों तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं दिसंबर 2021 में फिर अपना बैंक लॉकर ऑपरेट करने गई तो सेम यही हुआ कि मेरी चाबी नहीं घूम रही है। मैंने उनसे कहा कि ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारा नंबर ले जाइए और हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर बैंक लॉकर ऑपरेट करने वाला पहले आता है तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था मैंने बहुत बार उस पर फ़ोन किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर इसके बाद मैं 25 फरवरी 2022 को फिर गई हूँ, वहाँ पे फिर मैंने बैंक मैनेजर से बात करी कि मैंने कहा बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरा लॉकर खुलवाइए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सोमवार 28 फरवरी को आ जाइएगा सुबह 10:30 बजे, मैं लॉकर
खोलने वाले को बुला लूँगा। लॉकर खोलने वाला आया, उसने मेरी चाबी से काफ़ी बार कोशिश करी तो वो लॉकर नहीं खुला। उसने कहा मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लॉकर तोड़ दूँगा अगर आप चाहो तो। मैंने कहा कि ठीक है लॉकर तोड़ दीजिए। और जब लॉकर तोड़ा गया तो एकदम शॉक लगा मेरे को, उसमें मेरा सामान नहीं था। सिर्फ कितना कैश था, कितना ज्वेलरी थी? कैश नहीं था उसमें, सिर्फ ज्वेलरी थी मेरी। उसमें कितने कैश की थी? ये लगभग 1 करोड़ की थी। इसमें मतलब ये है कि 10% ज्वेलरी वहाँ पे बची हुई थी, 90% गायब थी। 10% भी उसने किस तरीके से छोड़ा था कि एक पीले कपड़े में मेरी ज्वेलरी बांध के रखी हुई थी, जिसके अंदर एक छोटी सी स्लिप थी। उस स्लिप पे वो सामान लिखा हुआ था जो लॉकर के अंदर उसने छोड़ा था, और वो पीला कपड़ा एक काले रंग के धागे से बंधा हुआ था। आपने पुलिस में कंप्लेंट की, FIR दर्ज की थी? जी। तो पुलिस का क्या कहना है, और जो बैंकर में आपकी बात हुई मैनेजर से, उनका क्या कहना है? बैंक मैनेजर तो बचना चाह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जी जो आपका सामान था वो आपको मिल गया, आपके सामने लॉकर तोड़ा गया है। लेकिन ये बताइए कि अगर वो लॉकर मेरे पहले से नहीं खुला किसी और ने, तो मेरी चाबी क्यों नहीं लग रही थी? मेरी चाबी ओरिजिनल थी, उस मेरे जाने से पहले उसे शायद टैम्पर करा गया, चाहे तो डुप्लीकेट की से, या फिर लॉकर तोड़ के नया लॉक लगाया गया जिससे मेरी चाबी नहीं घूम रही थी। लोग पैसे रखने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए बैंक को सुरक्षित समझते हैं, अगर बैंक में ही इस तरह की घटना होगी तो किस तरीके से विश्वास रहेगा? वही तो, ना तो हम घर पे सुरक्षित हैं ना बैंक में सुरक्षित हैं। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस छानबीन कर रही है। थाना सिहानी गेट में श्रीमती प्रियंका ने यह तहरीर दी कि पंजाब नेशनल बैंक नेहरू नगर स्थित शाखा में उनका 20 वर्षों से एक लॉकर है। अंतिम बार इन्होंने इस लॉकर का प्रयोग नवंबर 2019 में किया था। कुछ समय पूर्व जब वो लॉकर अपना चेक करने के लिए गए तो उनकी चाबी नहीं लग रही थी। 2-3 प्रयासों के पश्चात बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में जब लॉकर को तोड़ा गया तो उन्होंने पाया कि उसमें रखा हुआ उनका लगभग 65 से 70 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब है। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।